माय चैनल खाना विद अफसाना पे एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, मुझे बहुत सर्दी लग गया है तो मेरा गला थोड़ा चेंज हो गया है, तो आप समझ सकते हैं। तो आज मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ वो आटे से बनाया हुआ हेल्दी नाश्ता, बहुत ही सिंपल एंड ईजी रेसिपी है। और मैंने इसमें जो जो इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं सबके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो आप लोग इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें। और अगर दोस्तों आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। और अगर दोस्तों आज आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस आटे से बनाए हुए हेल्दी नाश्ता रेसिपी को। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं व्हीट फ्लोर यानी कि आटा 130 ग्राम के करीब, और कप से अगर मेजरमेंट करेंगे तो एक कप। दही हमने लिए हैं 1/4 कप, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया पत्ता लिए हैं बारीक कटी हुई 1 कटोरी। एक मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक टुकड़ों में काट लिए हैं। 2 हरी मिर्ची बारीक टुकड़ों में कटी हुई। नमक लिए हैं स्वाद के अनुसार, और कलर के लिए हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे। चाट मसाला लेंगे 1/2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है। और तेल हम यहाँ पे 2 बड़े करेंगे, तेल हमारे इस रेसिपी पे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, दही को अच्छे से फेंट लेंगे। तो आप इसे फोक से भी कर सकते हैं, या तो आपके पास अगर विस्कर है तो उससे भी आप इसे फेंट सकते हैं। अब हमने एक बड़ा सा बाउल लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसे आटा डाल देंगे व्हीट फ्लोर। अब हम इसमें ये दही डाल देंगे जिसे हमने अच्छे से के रखे थे, तो उसे हम क्या करेंगे डाल देंगे इसमें। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और इसका एक स्मूथ बैटर रेडी करेंगे। एक बारी में ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। और इसे हम क्या करेंगे, विक से या फोक से अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। दोस्तों ध्यान रहे इसमें लम्स ना आए, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएं। तो मैं यहाँ पे टोटली 1 कप पानी यूज़ कर रही हूँ, और बैटर का कंसिस्टेंसी जो होगा वो ज़्यादा थिक भी नहीं होगा और ज़्यादा थिन भी नहीं होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा है, इसका कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप का होगा दिखने में। तो अब हम इसे ढक के क्या करेंगे, आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा बाद हम इसे लेंगे। दोस्तों इसे आधा घंटा रखने से क्या होगा, हमने यहाँ पे जो दही मिक्स किए हैं तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम इसमें ये धनिया पत्ता बारीक कटी हुई डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे, फाइनली चॉप्ड अनियन डाल देंगे, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और इसे हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद ही तुरंत ही हम इसे क्या करेंगे, बनाना चालू करेंगे। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में। तो दोस्तों गैस ऑन करके गैस पे पैन चढ़ा दिए हैं तवे, और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे तवे के चारों तरफ, स्प्रेड कर देंगे अच्छे तरीके से, और इसे थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को सेंटर में ऐसे स्पून से डालेंगे और इसे ऐसे राउंड शेप में ऐसे गोल गोल घुमाते रहेंगे। ये देखिए जैसे हम लोग डोसा बनाते हैं सेम प्रोसेस में, ये देखिए इस टाइप का, ये देखिए दोस्तों। और गैस का फ्लेम अभी हम क्या करेंगे, मीडियम ही रखेंगे, ये देखिए। तो अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका चारों तरफ क्या होगा, ब्राउन कलर ना हो जाए, तो तब तक हम इसे क्या करेंगे, पकने देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चारों तरफ इसका क्या है, एकदम से पक के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके क्या करेंगे, इसे पलट देंगे
और 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसे भी क्या करेंगे, हल्का सा, जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना होता है तब तक इसे फ्राई करेंगे। क्या करेंगे, इसे फिर से पलट देंगे। तो ऐसे पलट पलट के ये जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होता है तब तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है दिखने में, ये देखिए। तो इसे हम क्या करेंगे, एक प्लेट में निकालेंगे और इसी ठीक सेम प्रोसेस में हम बाकी रेसिपी को भी क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों सेम प्रोसेस में हम तवे पे थोड़ा सा आगा लेंगे, ग्रीस कर लेंगे और इसके सेंटर में चम्मच से ऐसे बीच में डालेंगे और ऐसे गोल गोल घुमाते रहें इस तरीके से, ये देखिए सेम प्रोसेस। और इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता इसका चारों कॉर्नर साइड टैप। तो आप देख सकते हैं इसका जो नीचे का पोर्शन है थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, तो इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और इसे क्या करेंगे, पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं इसे भी हम पलट दिए हैं, तो ये हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और ठीक सेम प्रोसेस में हम बाकी सारे नाश्ते को भी क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम ये देखिए ऐसे और इसे बीच से कट कर देंगे। इससे क्या होगा, ये खाने में भी आसानी होगा और ये कितना डिलीशियस लग रहा है, ये देखिए। इसे ऐसे सर्व करें, ये देखिए ऐसे इसे रोल करेंगे और बीच से इसे कट करेंगे, ये देखिए जैसे इसे सजा दें। दोस्तों मैंने एक प्लेट लिए हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, सर्व कर लेंगे। और इस रेसिपी को दही के साथ, मैंने यहाँ पे दही और उसके ऊपर थोड़ा सा टोमेटो केचप को अच्छे से डेकोरेट कर दिया पत्ता डाल के, ताकि ये थोड़ा सा गॉर्जियस दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, ये देखिए। तो हमारा आज का ये आटे से बना हुआ हेल्दी नाश्ता बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। आई होप कि आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। बाकी बचा 2 रेसिपी को देखने के लिए मेरे इस लिंक पे क्लिक करें।